WHO ने कोरोना वेरिएंट्स का किया नामकरण, भारत में मिले वायरस को दिया नाम, भारत में मिला स्ट्रेन कहलाएंगे कप्पा और डेल्टा। यूपी में आज से मेगा वैक्सीनेशन अभियान, सभी 75 जिलों में 18 प्लस वालों को लगेगा टीका, सीएम योगी करेंगे टीम 9 के साथ बैठक। सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पुलिस विभाग के 55 अधिकारियों का तबादला किया, जिन 55 अधिकारियों का तबादला किया गया उनमें से 52 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लापता हुए अपने 400 सैनिकों के अवशेषों की गुजरात में तलाश करेगा अमेरिका, NFSU के विशेषज्ञ अमेरिका के रक्षा विभाग के तहत काम करने वाले एक अन्य संगठन DPAA की करेंगे मदद। पंजाब कांग्रेस में झगड़ा सुलझाने की कवायद, नवजोत सिंह सिद्धू रखेंगे 3 सदस्यीय विशेष कमेटी के सामने पक्ष, कल पंजाब कांग्रेस के 25 विधायकों ने रखा अपना पक्ष। आज से देश में घरेलू हवाई यात्रा हुई महंगी, 13 से 16% तक बढ़ाए गए टिकट के दाम, DGCA के कैब की लोअर लिमिट बढ़ाने के आदेश का असर। माइक पॉम्पियो का दावा, वुहान लैब रिसर्च के साथ साथ सैन्य गतिविधियों में शामिल था, कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर स्वतंत्र जांच की मांग, अमेरिका की नई रिपोर्ट के बाद और तेज। काशी विश्वनाथ धाम में गिरी जर्जर इमारत, हादसे में 10 घायल, 2 की मौत, पश्चिम बंगाल के मालदा के हैं ये मजदूर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 5 वैज्ञानिकों का बड़ा दावा, कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों में वैक्सीन की एक ही डोज पर्याप्त, महज 10 दिन में ही बन जाती है एंटीबॉडी। बाबा रामदेव के बयान के खिलाफ डॉक्टर्स में रोष, आज देश भर में डॉक्टर्स मना रहे काला दिवस, एम्स RDA के डॉक्टर भी प्रदर्शन में शामिल। चीन सीमा विवाद पर हिमाचल कांग्रेस ने लगाया आरोप, सीएम जयराम बोले गलत सूचना ना फैलाएं, हम वहां गए थे और केंद्र को स्थिति के बारे में बताएंगे। पेट्रोल डीजल के फिर बढ़ाए गए दाम, पेट्रोल 27 पैसे तो डीजल 24 पैसे हुआ महंगा, घरेलू गैस की कीमतों में नहीं हुआ इजाफा, वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की 122 रुपए घटी कीमत। देश में कोरोना संक्रमण के घट रहे केस, 24 घंटे में सामने आए 1,27,510 नए मामले, 2,795 मरीजों की हुई मौत। झारखंड के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को लिखा खत, केंद्र सरकार से की कोरोना टीके की मांग, कहा टीके खरीदने के लिए राज्य के पास नहीं है पैसे। आखिरकार पूरी हुई रेजिडेंट और इंटर्न डॉक्टर्स की मांग, गहलोत सरकार ने निभाया अपना वादा, स्टाइपेंड में बढ़ोतरी के आदेश जारी। EPFO खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, कोरोना दूसरी लहर के चलते दूसरी बार निकाल पाएंगे कोविड एडवांस, बता दें कि जमा राशि का 75% या 3 महीने का वेतन के बराबर राशि में से जो कम हो उसके बराबर राशि की रकम निकासी कर सकते थे। देश की राजधानी दिल्ली में घर बैठे मंगवाइए शराब, मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए कर सकते हैं ऑर्डर, केजरीवाल सरकार ने होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है। कोरोना वायरस महामारी ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी, ताजा आंकड़े बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से भारत में 1 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं, वहीं कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 97% परिवारों की इनकम कट गई है। करौली से बड़ी खबर है, भरतपुर में डॉक्टर दंपति की हत्या का पूरा मसला, हत्या का मुख्य आरोपी महेश गुर्जर करौली जिला पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, उससे पूछताछ जारी। राजस्थान अनलॉक होगा कल से, गहलोत सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, बाजारों में सभी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी, बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स की दुकानें भी सशर्त होंगी ओपन। मॉनसून के केरल पहुंचने में हो सकती है देरी, 3 जून तक दस्तक देने का है अनुमान, केरल में मॉनसून की शुरुआत 31 मई के आसपास होने की उम्मीद है। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज अंधड़ का कहर, पदमपुर क्षेत्र में ईंट भट्टे पर लगी आग, पेड़ गिरने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। भीलवाड़ा के पूर्व सांसद हेमेंद्र सिंह बनेड़ा का अंतिम संस्कार राजशाही परिवार की परंपरा के मुताबिक महासतिया मोक्षधाम में, हेमेंद्र सिंह बनेड़ा का कोरोना की वजह से सोमवार को जयपुर के RUHS में निधन हो गया था। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर संगठन में बदलाव की चर्चाओं के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष लखनऊ प्रवास के दूसरे दिन अहम बैठक करने वाले हैं। यूपी में लव जिहाद का एक और मसला आया सामने, आदित्य बनकर आबिद ने हिंदू युवती से की दोस्ती, धर्म परिवर्तन कराने के बाद कर ली शादी, केस दर्ज।